दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया में लोग बहुत सारे लोग 1 ईयर MBA और 2 ईयर MBA का कंपैरिजन कैसे करते हैं? दोनों ही रेगुलर फुल टाइम प्रोग्राम्स हैं, मतलब फुल टाइम MBA प्रोग्राम्स हैं, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1 ईयर MBA सिर्फ एक शॉर्टकट है। कोई ये कहता है कि 1 ईयर MBA सिर्फ प्लेसमेंट लेने का एक तरीका है कॉलेज से, कोई कहता है कि 1 ईयर MBA के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सेकेंड क्लास सिटीजन्स होते हैं 2 ईयर MBA के कंपेरिजन में। कोई तो ये भी कहता है कि 1 ईयर MBA सिर्फ बी स्कूल्स ने एक कैश काउ बना रखा है, मतलब सिर्फ पैसे कमाने का एक तरीका है। इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये परसेप्शन है क्यों और सच क्या है? आज मैं आपको इस वीडियो में इस परसेप्शन के बारे में डिटेल में बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि परसेप्शन क्यों है और दोनों MBA में से 2 ईयर और 1 ईयर MBA में से बेहतर क्या है, किस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और क्या डिफरेंस है मेजर। तो चलिए, शुरू करने से पहले ये बताइए कि इस चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि ISB और IIMs की एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करते हैं, GMAT की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करें और प्रिपरेशन कैसे करनी है, और या फिर आपको रेगुलर MBA, एग्जीक्यूटिव MBA या डिस्टेंस लर्निंग MBA के बारे में जानना है, उनके डिफरेंसेस के बारे में पता करना है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने सारे के सारे वीडियोस के लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप बस जाके उनको देख लीजिएगा। तो बस इंतज़ार किसका है, बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, आपने ये तो बहुत टाइम से सुना होगा कि ओल्ड इज गोल्ड। यही सेम चीज़ एप्लीकेबल होती है हमारे बी स्कूल्स में और उनके प्रोग्राम्स में। चलिए IIM अहमदाबाद का एग्जांपल ले लेते हैं, वो तो सबको पता ही होगा IIM अहमदाबाद के बारे में, उसका एग्जांपल लेते हैं। IIM अहमदाबाद 1961 में बना था, में स्टार्ट हुआ था बेसिकली, और तब से लेकर आज तक 55 ईयर्स से भी ज़्यादा हो गए हैं उसके 2 ईयर MBA प्रोग्राम को चलते हुए। तो समझ लीजिए कितने सारे बैचेस निकल गए होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके पेरेंट्स और शायद ग्रैंड पेरेंट्स ने भी IIM अहमदाबाद के 2 ईयर MBA के बारे में सुना होगा, और हो सकता है बहुत सारे लोगों ने MBA भी किया हो उस टाइम पर। मतलब वो बात अलग है कि पहले PGDM देते थे और अब MBA की डिग्री मिलती है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन सुना होगा। तो चलिए इसको कंपेयर करते हैं IIM अहमदाबाद के ही फुल टाइम 1 ईयर प्रोग्राम से, जिसको PGPX कहा जाता है। PGPX को नेक्स्ट ईयर 20 ईयर्स हो जाएंगे स्टार्ट हुए, और इसका मतलब ये है कि आपके पेरेंट्स ने भी शायद इस प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा कुछ सुना ना हो, आपने ही सुना होगा बस। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर सुना भी होगा उन्होंने तो शायद ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि इतने सालों से 2 ईयर फुल टाइम MBA दिमाग में बस चुका है। क्यों? क्योंकि IIM अहमदाबाद ने उससे स्टार्टिंग करी और वो उसकी पहचान बन चुकी है। चलिए अब ISB के 1 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम की बात करते हैं। ISB ने 2001 में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था, इसका मतलब अभी इस प्रोग्राम को 23 ईयर्स हो चुके हैं। लेकिन फ़र्क क्या है? 23 ईयर्स का मतलब है कि बहुत सारे लोगों को अभी इसके प्रोग्राम के बारे में नहीं पता होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ISB ने इसी प्रोग्राम से अपनी शुरुआत करी और उसने अपनी पहचान इस प्रोग्राम से बनाई। 2 ईयर वाले MBA से पहचान नहीं बनाई है, 1 ईयर MBA से पहचान बनाई है। इसलिए बहुत सारे रिक्रूटर्स को ISB का 1 ईयर प्रोग्राम के बारे में सब कुछ पता होता है वर्सेस IIMs के प्रोग्राम के बारे में। इनफैक्ट IIM अहमदाबाद के प्रोग्राम जिसको 20 साल हो जाएंगे उसके बारे में भी बहुत सारे रिक्रूटर्स को नहीं पता होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि IIMs का 1 ईयर MBA प्रोग्राम 2 ईयर MBA प्रोग्राम से इन्फीरियर है, क्योंकि दोनों के पर्पजेज अलग हैं और 1 ईयर प्रोग्राम के अपने अलग बेनिफिट्स हैं। देखिए, जब कैंपस प्लेसमेंट होता है या फिर आप मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाते हैं, तो आपसे रिक्रूटर एक ही चीज़ पूछता है कि फुल टाइम MBA है, मतलब रेगुलर MBA है, या फिर पार्ट टाइम या फिर एग्जीक्यूटिव MBA है ना। कोई ये नहीं पूछता है कि 2 ईयर MBA है कि 1 ईयर MBA है, ये चीज़ नहीं पूछते हैं। दोनों प्रोग्राम्स में ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट्स ही पढ़ाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर सी होती हैं, अनलेस आपका स्पेशलाइजेशन हो। स्पेशलाइजेशन है तो फिर बात अलग है, अदरवाइज
बाकी आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिखेंगी इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स। बल्कि अगर कंपनीज को एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है किसी जॉब रोल के लिए, तो उनके लिए बेस्ट फिट होता है 1 ईयर MBA प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका मिनिमम एक्सपीरियंस 2 to 5 years का होता है और ऑन एन एवरेज एक्सपीरियंस उनका 7 years, 8 years इस रेंज में होता है, और वो बहुत अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से, बहुत अलग अलग डाइवर्स इंडस्ट्रीज से आए हुए होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, ज़्यादा सूट करते हैं कंपनीज के एक्सपीरियंस्ड वाले रोल्स के लिए। अब ध्यान दीजिए इनके प्रोज एंड कॉन्स पे 1 year MBA के। तो 1 year MBA में जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो टारगेट होता है वो या तो करियर में ट्रांजिशन करना होता है ऑल टुगेदर, आए किसी बैकग्राउंड से जाना कहीं और पे है, या फिर सेम बैकग्राउंड में ही अपनी हायरार्की में उन्हें ऊपर मूव करना होता है, तो इसलिए वो इस चीज़ का बेनिफिट लेते हैं, इस MBA का बेनिफिट लेते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ट्रांजिशन करने पे हो सकता है स्टार्टिंग सैलरी उतनी अच्छी ना हो, लेकिन ट्रांजिशन हो जाता है बहुत सारे लोगों का। इसी तरह से सच ये भी है कि जितना कम वर्क एक्सपीरियंस स्टूडेंट का होता है, अगर उसे ट्रांजिशन करना है तो ट्रांजिशन करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन होती हैं उसके लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस कम है, कंपनीज को पता है कि ये स्टूडेंट इजीली अडेप्ट कर जाएगा जो भी नया ट्रांजिशन रोल है या नया जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसमें। वर्क एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होता जाता है ट्रांजिशन करने में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज उतनी कंपनीज नहीं देती हैं। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ISB 2 ईयर से ही एडमिशन से स्टार्ट क्यों कर देता है, जिससे कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले। बट इसका दूसरा फायदा ये भी है कि अगर आप अपने पुराने एक्सपीरियंस को यूज़ करके सेम जॉब फंक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपको कंपनीज बहुत अच्छी डिजिग्नेशन में, एक अच्छी सैलरी में आपको अच्छा रोल देती हैं, तो यहाँ आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। ऑन अ कॉन्ट्ररी, 2 ईयर फुल टाइम MBA में मोस्टली स्टूडेंट्स या तो फ्रेशर्स होते हैं या 2-3-4 साल का मैक्सिमम एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, इसलिए दे हैव नथिंग टू लूज, उनके लिए तो सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं, उनके लिए तो सब कुछ नया है, किसी भी जॉब फंक्शन में डाल दीजिए, किसी भी रोल में डाल दीजिए, वो तो कहीं भी इजीली लर्न कर लेंगे, अडेप्ट कर लेंगे, तो कंपनीज़ का इसमें बेनिफिट होता है कि क्योंकि कंपनीज उनको जूनियर रोल्स पे, एसोसिएट लेवल पे, सीनियर एसोसिएट लेवल पे रिक्रूट करती हैं, उसको उनको पैकेजेस भी थोड़े कम देने पड़ते हैं और रिस्क भी कंपनीज़ का कम होता है। ये सच है कि इन सारे रीजंस की वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ 2 year MBA वाले एक फ्रेशर या कम एक्सपीरियंस के स्टूडेंट के पास जाती हैं, वो 1 year में बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाती हैं, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, दे हैव अ बैगेज ऑलरेडी। और इसलिए ये भी सच है कि बहुत सारे जो फ्रेशर्स या कम एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट्स 2 year MBA करके निकलते हैं, तो उनको आप देखो कि उनका ग्राफ अगर अच्छा, एक डिसेंट ग्राफ चल रहा होगा, तो उनको आप देखो कि 5 to 7 years पे वो जिस पोजीशन पे होंगे, एक 1 year स्टूडेंट ने जिसने करियर ट्रांजिशन किया है, वो स्टार्ट अपना उस पोजीशन से नहीं करेगा, इनफैक्ट नीचे वाली पोजीशन उसको शायद मिले और उसकी सैलरी भी कम हो, इवेंचुअली वो पिक करेगा, लेकिन जब आप ये कंपैरिजन देखोगे तो बहुत सारे केसेस में 2 year MBA वाले के पास एक अच्छी सैलरी, एक अच्छी डेजिग्नेशन होने के चांसेस हैं। तो देखिए, फंडा सिंपल है, सारा का सारा डिफरेंस 2 points से डिराइव हो रहा है। एक, कि बी स्कूल ने अपनी पहचान किस तरह के MBA से बना रखी है, और दूसरी, आप कितनी जल्दी MBA करके अपना करियर ट्रांजिशन करके प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं। चलो अब आपको फाइनली मैं एक बात और बताता हूँ। इंडिया में हम जिस MBA को हमेशा से जानते हैं, 2 year फुल टाइम MBA जो फ्रेशर्स या कम एक्सपीरियंस के लिए होता है, उसको बाहर के कंट्रीज़ में MIM मतलब मास्टर्स इन मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, वो फ्रेशर्स के लिए या कम एक्सपीरियंस वालों के लिए वो प्रोग्राम होता है, और MBA के लिए मोस्टली कंट्रीज़ में आपको एक्सपीरियंस चाहिए ही होता है 3 to 5 years का, जो कि इंडिया में 1 year फुल टाइम MBA है। इसीलिए आप देखोगे कि 1 year फुल टाइम MBA की रैंकिंग ग्लोबल MBA प्रोग्राम्स के साथ में की जाती है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उस वीडियो को लाइक करिए, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और पॉडकास्ट आने वाले हैं और मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी मिस करें। तो बस,
बने रहिए मेरे साथ।